हैवान हैवान तू हैवान बेटियों पे बलात्कार करने वाला तू हैवान और तू पे अत्याचार करने वाला तू हैवान बच्चों को मारने वाला तू हैवान तू मर्द नहीं तू हैवान इंसान के भेष में जीता जाता शैतान इतना कुछ हो रहा आंखों के सामने फिर भी जनता क्यों बेजुबान है ऐसा हरामी को ना नसीब होगी धरती और ना ही नसीब होने वाला आसमान है कुर्बान हुई अब तक हमारी कितनी सारी बेटियां इंसान के भेष में छुपे साली भेड़िया झांसी की रानी और फूलन देवी वाले देश ने आखिर क्यों पहन ली है बेड़िया बलात्कार करने से पहले इतना तो सोच लिया होता तेरे घर में भी एक औरत है बेचूतिया सरकार हर रोज नारे लगाती है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ पर ना बेटी बच पा रही ना बेटी पढ़ पा रही बुरी नीयत वालों से बस बेटियां हमारी हर रोज है लड़ रही इन जानवर के कारण बस रात दिन बेटियां हमारी यहाँ डर रही महात्मा गांधी के अहिंसावादी देश में बुरी तरह से हर आए दिन बलात्कार होता है अब तो ऐसा लगता है ये गांधी जी के तीन बंदरों के उसूलों पे चलता है इतना कुछ हो रहा आंखों के सामने फिर भी ना ही कुछ देखता है ना ही कुछ सुनता है ना ही कुछ बोलता है वारे मेरे देश तेरे मुंह पे आप भी क्यों मौनता है कौन कहता है अब देश बदल गया है या फिर रिलीजन की बात नहीं की जाती जिस लड़की का रेप हुआ है सबसे पहले उसकी जाति है पूछी जाती फिर भी सरकार हमारी चुपे रहती बस अब बहुत हो गया मेरी बहनों उठा लो तलवार और चीर दे इन साले की छाती दिखा दे तेरा रौद्र रूप और मसल दे इन हैवान को जैसे तू कोई गजराज हाथी छोटी सी खेलने की उम्र में बच्चों पे रेप होता है आरोपी गुनहगार होने के बावजूद सड़कों पे सरेआम जीता है ऐसे वक्त तो बेबस बाप कुछ नहीं कर पाता बस अकेले कमरे में जाके फुट फुट के रोता है दस दिन हाथ में मोमबत्ती लेकर नया नया चिल्लाकर ग्यारहवें दिन ये देश उस बच्चे को भूल जाता है सरकार हमारी खोखली दोईमुंह वाली साली दोगली जनता के सामने कुत्ते की तरह भौंकी न्याय की बात आए तो पीछे जाके अंधे कानून की पट्टी लगाकर सो रही यहाँ ये शैतान हर वक्त हवस ले पड़े है जिसमें से प्यार करे खाली पुकट मोहब्बत को बदनाम कर रहे हैं जला दो ऐसे हवानों को वरना एक और बेटी की इज्जत लूटने चले है क्या कभी सोचा है उन माँ बाप भाई बहनों पर क्या बीतती होगी हर रोज इक्कानवे रेप होते हैं फिर भी ये सरकार को कोई खबर नहीं शायद सरकारी सो रही होगी डर रही होगी इस देश की बेटी और एक बाहर निकलने से हवस टपक तीन सालों की शक्ल से ऐसे काम करते ही इतने कुए बेअकल से मोमबत्ती हाथ में पकड़ने से अब न्याय नहीं मिलेगा ऐसे शैतानों को गोली मार दो तभी देश आगे बढ़ेगा हर एक देश प्रेमी अब अपने देश की बेटी के लिए लड़ेगा अपने बेटे को घर में औरत की इज्जत करना सिखाओ वरना बाहर जाकर किसी और की बेटी को ही छेड़ेगा सत्युग गया अब कलयुग आ चुका है इंसान के अंदर के इंसानियत और डर मर चुका है इतना क्यों तू जिस्म का भूखा है क्या भूल गया देश स्त्री के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत घड़ चुका है ये गाना नहीं सच्चाई है सच्चाई है।